और अब शक्ति आराधना पर्व नवरात्रि की बात। नवरात्रि के रंग में पूरा शहर रंगा है। भिलाई के न्यू रुआ बांधा कॉलोनी में गरबा महोत्सव में पहली बार एक अनूठी थीम दिखी। आयोजकों ने श्री राम वनगमन पथ की थीम रखी। हर कोई श्री राम और सीता जी के वनवासी स्वरूप में नजर आए। भगवा रंग में रंगे इस पंडाल में भक्तों ने जमकर गरबा खेला। आयोजकों ने बताया कि भगवान श्री राम ने नवरात्रि के 9 दिन माता की आराधना की और दशहरे के दिन रावण का वध किया। नवरात्रि में मां भवानी ने उन्हें शक्ति प्रदान की, इसीलिए श्री राम को याद कर उनकी टीम माता की आराधना में जुटी है। नवरात्रि के जो रंग देखे हैं उसमें आपको पारंपरिक गुजरात के रंग नजर आ रहे होंगे, बहुत सारी जगह अलग अलग थीम और ट्रेडिशनल ड्रेस नजर आ रहे होंगे, पर आज हम दिखा रहे हैं आपको नित्य कला मंदिर का एक ऐसा गरबा जहां पर आज सब रंगे हैं भगवा के रंग में। जी हां, सही सुना आपने, भगवा के रंग में। और आज की जो थीम है राम वन पथ गमन की थीम है, यानी वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण बनकर यहाँ पर सब पहुंचे हुए हैं। थीम रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? कोमल जी, बता दूं कि जो हमारे श्री राम थे उन्होंने जब रावण का वध किया था तो उस ड्यूरेशन में, उस दौरान में नवरात्रि पड़ा था और उन्होंने पूरे 9 दिन माता की आराधना की थी और उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया था। तो हम ये छोटी सी एक पौराणिक कथा को आज इस थीम के माध्यम से यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। सीता के चरित्र को आज के परिवेश में कैसा पाते हैं? सीता के चरित्र को आज के परिवेश में देखा जाए तो एक आदर्श नारी के रूप में उनको हम अपने व्यवहार में और अपने जीवन में चित्रित कर सकते हैं। सीता के रूप में बहुत सारे लोगों ने कुछ क्रिएशन किया, आप बहुत सिंपल आई हैं। हाँ, मेरे को पता है कि वनवास के बाद जब सीता आई थी तो वो इसी रूप में आई थी, ना कोई श्रृंगार की थी ना कुछ, बस वो रुद्राक्ष का ही पहनी थी। में सभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं और जितने भी डांडिया करने वाले हैं वो सभी श्री राम जी के वनगमन के ड्रेस में है। यहाँ पर शुरू होने जा रहा है जो भगवा रंग में रंगा श्री राम को समर्पित, माता सीता को समर्पित गरबा। तो आप यदि रिपोर्ट देख रहे थे कोमल धनेसर के साथ, आईबीसी 24।